यिंची चान, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं केस कर दूंगी। अगर मैं सोना चाहूं तो मैं इसी बिस्तर में सोऊंगा। क्या हुआ? अपनी शादी के पहले ही दिन अपने पति को मारने की कल्पना कर रही हो? तुमने कल रात मुझे बहुत परेशान किया, तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, और मुझे मजबूरी में तुम्हें तकियों के साथ अकेला छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, तुम ज्यादा मत सोचो। फ्रेश हो जाओ, हम बाहर जाने वाले हैं। Good morning. तो आप कल रात कहाँ सोए थे? स्टडी में। और आज से मैं कहाँ सोऊंगी? ताकि किसी को मालूम ना चले हमारी ये शादी झूठी है, हमें एक ही कमरे में रहना होगा। फिक्र मत करो, तुम वहां सुरक्षित रहोगी। आओ मेरे साथ, यह है तुम्हारा कमरा। क्लॉक रूम में? ये दोनों कमरे जुड़े हुए हैं, जब तक कोई जरूरत ना पड़े मैं अंदर नहीं आऊंगा। फिक्र मत करो, अब से ये कमरा तुम्हारा है, लेकिन मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तुम्हारा सामान छूना कौन चाहता है? लिटिल फॉर्चून, हम यहीं सोएंगे। इसे बिस्तर पर क्यों रखा? ये मेरा पेट है, इसका नाम है लिटिल फॉर्चून। कोई दिक्कत? बकवास। आपकी भी। नाराज मत हो लिटिल फॉर्चून। इतने कम कपड़ों के लिए इतना बड़ा क्लॉक रूम, ये तो जगह की बर्बादी है। आखिर कौन सा इंसान अपना इतना बड़ा फोटो लगाता है अपने क्लॉक रूम में? सेल्फ ऑब्सेस्ड। सॉरी, मैं भूल गया था, माफ करना मुझे। मैंने कुछ नहीं देखा। गुड नाइट लिटिल फॉर्चून। यिंचीचान, आप में इतनी भी समझ नहीं? आप इस तरह से शोर मचाएंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी? 98, 99, 100। मुझे रात को नींद नहीं आती, एक्सरसाइज करने से मदद मिलती है, और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर लकी हुआ तो 2 या 3 घंटे सो पाता हूँ। तो आप दूसरों के सोने के समय एक्सरसाइज करते हैं?
मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अब से कभी भी मेरे साथ मजाक मत करना। यूजीचान, पता है आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं रहता। ठीक, मैं आज रात को स्टडी में रुकूंगा। रुकिए, मुझे लगता है कि ये हमारी शादी की पहली रात है। अगर आप स्टडी में सोएंगे तो सबको सच पता चल जाएगा। आपके भले के लिए कह रही हूँ। तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, हम अलग सोएंगे। सो जाओ। आपको तो बेड की जरूरत भी नहीं है। यिंची-चान, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं केस कर दूंगी। अगर मैं सोना चाहूं तो मैं इसी बिस्तर में सोऊंगा। क्या कर रहे हैं? दुनिया गोल है संतरे की तरह। उर्सुला ने अपना पेशेंस खो दिया और कहा कि अगर तुम्हें पागल होना है तो तुम इतने जोर से क्यों पढ़ रही हो? क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती हूँ। आप तो वैसे भी नहीं सो रहे। तुम्हारा हर एक्टिविटी बहुत इरिटेटिंग है। वो चिल्लाई और कहा कि अपने बुरे ख्यालात अपने बच्चों के दिमाग में मत डालो। जॉश ने अपनी पत्नी से हताश होकर खुद को भयभीत नहीं होने दिया। उसने एस्ट्रोलैब को कुचल दिया, उसने दूसरा बनाया और गांव के लोगों को अपने कमरे में इकट्ठा किया और उन्हें उन सिद्धांतों के साथ प्रदर्शित किया जिन्हें उनमें से कोई नहीं जानता था। पूर्व की ओर से वापस लौटने की संभावना। पूरे गांव को इस बात का यकीन था कि जॉश ने सारे कारण खो दिए जब मेलकेट्स लौटी। जब नींद नहीं आ रही थी तो इतनी जल्दी कैसे सो गए? छूटे जहां से निकले थे वहीं वापस लौटने की संभावना। लेकिन गांव के सभी लोगों का यही मानना था कि सात बज गए। यिंची-चान, क्या हुआ? मैं कल रात सो गया था। आपको नींद की बीमारी नहीं है, आप तो तुरंत सो गए थे। मुझे सच में नींद नहीं आती। तो फिर शायद मेरी रीडिंग सुनकर आपको नींद आ गई। किताबें तो मैं भी पढ़ता था लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या ये मेरी गलती है? आज रात फिर से वैसे ही पढ़ना।